السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال او دے گھر اندر جس ذوق جس محبت دے نال تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نا اے دعا فرمانا
अल्लाह साडा सब दा आना बैठना अपने दरबार अंदर मकबूल ओ मंजूर फरमाए और साडे इस मिल बैठन नू साडी निजात दा जरिया और सबब बनाए। जिस जौक और मोहब्बत दे नाल अहबाब जमात ने और खुसूसन बरादरे मुकर्रम जमात दे माया नाज खतीब हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रहीम साजिद हफिज़हुल्लाह इन्हां दे रफ़क़ा इस प्रोग्राम दा इंतज़ाम व इहतमाम कीता। अल्लाह उन्हां दी इस कावश नू भी शर्फ़े कबूलियत दे नाल हम किनार फरमाए। तमाम मखलूकात जो अशरफुल मखलूकात दा मनसब अल्लाह ने इंसान नु अता फरमाया। तमाम मखलूकां चों आला अफजल अशरफ अल्लाह ने इंसान नु बनाया। फिर तमाम इंसाना चों अंबिया अलैहिस्सलाम दी जमात नु अल्लाह ने सब नालों अफजल और आला बनाया। फिर सारे अंबिया चों आमिना दिलाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अफजल व आला और बेहतर व बरतर बना के अल्लाह ने मबऊस फरमाया। इन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दे जरिए अल्लाह ने जो लोगों तक पैगाम पहुँचाया वो ये है कि जिंदगी इंतहाई मुख्तसर और मुस्तार जिंदगी है। इहदे अंदर इंसान नु कुछ ना कुछ अपनी आखरत वास्ते बेहतरी पैदा करन दी कोशिश करनी चाहिदी है। इंज समझो कि ऐ जिंदगी आखरत दी जिंदगी बनान वास्ते तैयार करन वास्ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सानू अता फरमाई है। इहदे अंदर जरूरत है अल्लाह दी फरमा बरदारी कीती जाए, उहदे रसूलां दे अहकामात दी पाबंदी कीती जाए, अल्लाह रसूल दे फरामीन ते लब्बैक कह के अपनी जिंदगी बसर कीती जाए। क्योंकि रब दे दरबार अंदर अगर कम आउना ते इंसान दे अपने नेक आमाल ने कम आउना, अपना अमल चंगा नहीं ते भावें नबी दा सका बाप क्यों ना होए, अपने आमाल चंगे नहीं ते भावें नबी दा सका चाचा क्यों ना होए, अपने आमाल चंगे नहीं भावें नबी दी बीवी क्यों ना होए, अल्लाह दे दरबार अंदर ओदी कोई वैल्यू ते कोई हैसियत नहीं जब तक अल्लाह और उस दे रसूल अली सलाम दे अहकामात दी पाबंदी ना कीती जाए। और फिर नेकी करन वाला मर्द होए या औरत होए अल्लाह जुल जलाल किसे दा हक नहीं रख दे, बल्कि पूरा पूरा अजर ते बदला रब्बुल आलमीन अता फरमांदे ने। और ये अल्लाह दे कुरान दा ऐलान और पैगाम है। जरा कुरान दे अल्फाज दे गौर फरमाना।
अल्लाह उसुल जलाल फरमांदे ने माना आमेला साले हम मिन जाकारिन औ उनसा कह दो कोई अर्ज नहीं इंशाल्लाह मसीते बैठे हो इंज परेशान हो के बैठे हो जिमें दम करान आयो कारी साहब को बारी नहीं आन रही ओ पिछे बहन की बजाय थोड़े जे तुसी अगे नहीं आ जाते आ जड़ी आ रेलंग इस तो अगे अगे आओ ना फरिश्तिया बहुता लम्मा घेरा ना पाना पवे ए माशाला एडा अजीम शान मरकज अल्लाह की तौफीक नाल ते इंज खिलर के ना बवो तागे फरिश्तिया बहुता लम्मा घेरा ना पाना पै लागे लागे हो के बवो करीब करीब हो के बवो ते अल्लाह की तौफीक ना अल्लाह के घर च इंज परेशान ना होके बैठिया करो भी पता नहीं अल्लाह रहम करे की मसला पैदा हो गया दुआ फरमाओ अगर कोई माड़ी मोटी परेशानी है भी ये ते अल्लाह दूर फरमा दे आमीन ते कह दियो और वैसे भी नबी अलैहि सलाम दा फरमाने के रामीए मस्जिदां जन्नत दे बाग ने मस्जिदां जन्नत दे बाग ने ते जे जन्नत विच आके ही परेशान रहना है ते केड़ी थां दुनिया ते रह गई है कि जिथे जाके फिर बंदे ने हशाश बशाश होना है इस वास्ते अल्लाह दे घर च आयो माशाल्लाह उलमाए किराम कसीर तादाद अंदर तशरीफ फरमाने तुहाडे मरकजी जमीयत अहले हदीस दी क़यादत तहसील दे अमीर मौलाना मुहम्मद दाऊद रडियालवी हफिज़हुल्ला हज़रत मौलाना उमर फारूक तूर साहब हफिज़हुल्ला और फाजल नौजवान खतीब हज़रत मौलाना सरफराज अहमद नजमी हफिज़हुल्ला और तुहानू बड़िया प्यारियां नातां सुना रहा सी बब्बर शेर अब्दुल अजीज साजद साहब अल्लाह इन्हां नू सेहत नाल लंबियां जिंदगियां अता फरमाए तवज्जो मेरे वर रखना वैसे तो कारी साहब ने कबेले वेले तुहानू मौलवियां दे बस पा दिता रोटी शोटी खाण दा टाइम सी ते मौलवियां दे बस पा दिता मैं इंशाला कोशिश करांगा भई तुहाडा ज्यादा वक्त ना लवां जल्दी जल्दी अपनी बात नू इख्तिताम दी तरफ ले जावां लेकिन जिन्नी देर तक बैठो जरा ज़ौक नाल मुहब्बत नाल प्यार नाल बैठो अल्लाह साडा सारयां दा आउणा इंशाला कबूल फरमा के यकीनन साड़ी निजात दा जरिया बना देंगे उदे कोलो उदी रहमत दा सहारा तलाश करन दी कोशिश करनी चाहिदी है उदे ते पूरा इतमाद रखना चाहिदा है तो रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मन आमेला सालेहम मिन ज़करिन औ उनसा मन आमेला सालेहन मिन ज़करिन औ उनसा वाहो वाहो मोमिनुन नाल शर्त रब्बुल आलमीन ने एक लगाई है नेकी करने वाला कोई मर्द होवे नेकी करने वाली कोई औरत होवे मन आमेला सालेहन मिन ज़करिन औ उनसा लेकिन शर्त एवे वाहो वाह मोमिनुन ओनु ईमानदार होना चाहिदा है अल्लाह रसूल दे अहकामात दा पाबंद होना चाहिदा है अल्लाह जुल जलाल दी कसम है गल अकीदे ते आके मुकनी दे अकीदा दुरुस्त होना चाहिदा जे अकीदा दुरुस्त नहीं नमाजा ते नमाजा पढ़ता जाए हज ते हज करदा जाए साल दे कई कई उमरे अदा करदा जाए जे अकीदा चंगा नहीं अल्लाह दे दरबार अंदर एक राय दे दाने बराबर भी इन्हां तमाम अमाल दा फायदा नहीं होएगा शर्त की है अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वाहो वाह मोमिनुन शर्त एवे के ओनू मोमिन होना चाहिदा है अकीदा दुरुस्त होना चाहिदा है सोने आजे ते अकीदा दुरुस्त होया अल्लाह जुल जलाल ने ईमान दी दौलत नाल जे माला माल फरमाया मेरा ईमान जमीन दे सीने तो लैके आसमान दे छत तक जिन्ना खलाए ये सारा गुनाहां नाल भरिया होवे गलतियां नाल भरिया होवे अल्लाह दियां नाफरमानियां नाल भरिया होवे ते अकी
ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤੇ ਵੇ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨੇ ਗਿਰਾਮੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ 99 ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਾਲ ਗੁਨਾਹ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਨਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਲਾ ਅੱਲਾ 99 ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਅਮਾਲ ਤੁਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਤੇ ਟੁਕੜਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸ਼ਹਦੋ ਅਲਾਹਾ ਪੜ ਲਓ ਹੋਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਾਲ ਨਾਮਾ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਆ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਨੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ ਦੇਣਗੇ ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਗੇ ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹ ਜਲਸਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਨੋਟ ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਪਰਦੇ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਗਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ आने वाले मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम होगा नोट मौसम के मुताबिक बिस्तर हमरा लेके आए अल्लाह जुल जलाल गल नोट कर लिया जे तुसी भी अल्लाह जुल जलाल फरमान देने जमीन तो लैके आसमाना तक आ सारा गुनाह ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜੁਰਮ ਹੀ ਜੁਰਮ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਖਲਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਨੋਟ ਨੋਟ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਲੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਗੱਲ ਅਮਲਾਂ ਨਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਮਨ ਆਮਿਲਾ ਸਾਲਿਹ ਮਿਨ ਜ਼ਕਰ ਨਾ ਔ ਅਨਸਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੋਮਿਨ ਮੋਮਿਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਤ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਤ ਫਲਾ ਨੁਹਯਿਯਨਹੁ ਹਯਾਤਨ ਤੈਯਿਬਾ ਵਾਲਾ ਨਜਜ਼ਿਯਨਹੁਮ ਅਜਰਹੁਮ ਬਿਅਹਸਨ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਅਮਲੂ ਸੁਭਾਨ
मैं कुर्बान जावा सदके जावा। गल जरा नोट फरमा लिया दे, जे अपने अमल चंगे नहीं ते पावे नबी दा अपना सका चाचा क्यों ना होवे। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक पैगंबर दी मुखालफत ते कमर बस्ता नबी दा अपना खून। मक्के दा चौधरी, मक्के दा लीडर, मक्के दा सरदार, हुस्नो जमाल दा पैकर ते मुजस्मा, मेरे आका अलैहि सलाम दा अपना खून है। लेकिन पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दा कलमा नहीं पढ़िया। अल्लाह जुल जलाल ने कुरान नाजल फरमा के आख्या, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब सयसला नारन ज़ात लहब व मरअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अच्छा, ए सूरत जब नाजल हुई ना तो नबी अलैहि सलातो व सलाम बैतुल्ला सहने काबा दे अंदर तशरीफ फरमाने ते पैगंबर अली सलाम दे लागे गोडे ना गोडा लागे जनाबे सिद्दीक बैठे ने रजी अल्लाह ताला अन। उम्मे जमील नबी अली सलाम दी सगी चाची अबू लाब दी बीवी, हाथे जेने पत्थर फड़े है या डंडा फड़े है ते आके न जनाबे अबू बकर सिद्दीक दे लागे खड़ी हो गई रजी अल्लाह ताला। कहन लगी, वे अबू बकर मैं सुने है, तेरे नबी ने सानू गाला बड़िया कड़िया ने, तेरे नबी ने सानू मंदा बड़ा बोलिया, तेरे नबी ने साड़ी हिजो बड़ी कीती है। कुर्बान जावा हजरत अबू बकर सिद्दीक दा जवाब एडा फलसफियाना, एडा हिकमत भरिया जवाब। वो कह लगी, मैं सुनिया तेरे नबी ने सानू बड़िया गाला कड़िया ने, तब्बत यदा अबी लहब व तब बड़ा मंदा बोलिया हिजो कीती है। जनाबे अबू बकर फरमांदे ने, बीबी मेरे नबी ते तुहानू कुछ नहीं आख्या, ते उधरों ही लानता पैन दईआं ने। नबी पाक ने ते तुहानू कुछ नहीं आख्या, ए ते उधरों ही लानता पैन दईआं ने, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अच्छा, एक ते ए वे ना के बंदे नू तर्जमा आउंदा होए, मानियो मफाहीम दा अंदाजा होवे, पता होवे, एक ए वे के लफजा तो इस सूरत दी तरतीब ते जरा नजर दौड़ाओ। तब्बत यदा अबी लहब व तब, काफिया ना काफिया मिलता पिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालहु व मा का सब सयसला नारन ज़ात लहब व मरअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आम जेड़ा साडी अर्गा कोई बहुता नहीं पढ़िया लिखिया तर्जमे दा, ओनू पता नहीं, ओनू भी अंदाजा हो जांदा तब 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 होण डईए जुतियां वजण डईआं ने, ओनू भी अंदाजा हो जाता छिद्र पैन डे। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, आ सूरत नाजल होई ना उम्मे जमील प्यारे पैगंबर अली सलाम दे लागे, अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा, मैं सुनिया तेरे नबी ने सानू बड़ा मंदा बोलिया, ते मैनू दस है किथे वे। बकदी झकदी चली गई वापस। हजरत अबू बकर ने नबी अली सलाम नू अर्ज करदे ने, सोने हो तुहाडे गोडे ना गोडा ला के नाल ही ते मैं बैठा सा, ते मेरे सराहणे खड़े होके ते उम्मे जमील पुछण डई सी तेरा नबी किथे वे। हजूर तुहानू उहने वेख्या नहीं, तुहानू उहने वेख्या नहीं। नबी अली सलाम फरमांदे ने, अबू बकर मेरे ते ओदे दरमियान फरिश्ते ने अपना पार कर छड़िया से, अल्लाह ने मेरे वल्लों उम्मे जमील नू अन्या कर छड़िया है।
वेख ही नहीं सके। मैं कुर्बान जावां आमिना दे लाल अलैहि सलातो व सलाम दी जाते गिरामी किंज मेरे मालिक ने महफूज फरमाया आपनो। तो ए सूरत नाजल होए अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने नबी दे सके चाचे दे मुतालिक दसिया के भावे नबी दा अपना खून है जे अमल चंगे नहीं ते रब दे दरबार विच ओदी कोई वैल्यू अल्लाह दे दरबार अंदर ओदी कोई हैसियत नहीं। मेरे भाई मेरे बरादर इस वास्ते साडा ईमान ते अकीदा के सारी कायनात विचों आमिना दा लाल अफजल है और सारी कायनात विचों मेरे पाक नबी ते नाजल होन वाला कुरान भी अफजल है। मुस्तफा अफजल ने नबी दे नाजल होन वाला कुरान भी अफजल है। और बड़ी प्यारी मौलाना ने गल की फरमांदे ने अलिफ एक लख ते 24,000 विचों अलिफ एक लख ते 24,000 विचों ते मेरे नबी दा शान कुछ होर ईए मिली मूसा तौरात इंजील ईसा मिली मूसा तौरात इंजील ईसा ऐ परेशान कुरान कुछ होर ईए लेक्चरार हजारां जहान अंदर लेक्चरार हजारां जहान अंदर ऐ पर हदीस बयान कुछ होर ईए मूसा गै कोहे तूर समसाम ऐ पर ऊपर फलकां दे जाना कुछ होर ईए अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रौज़े अनवर ते करोड़ों रहमतां नाजल फरमाना ते साडे वल्लों करोड़ों अल्लाह दुरूद ओ सलाम दियां बारिशां नाजल फरमाना। मेरे आका अली सलातो व सलाम खुद मुस्तफा अली सलाम अपनी लखते जिगर अपनी नूरे नजर हजरत सैयदा फातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं मुखातब फरमारा ने मेरे आका ते जदों कुरान दा ए मकाम नाजल होया अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वा अंजर अशीरत कल अकरबी अपने करीबियां नूं अपने रिश्तेदारां नूं डराओ साडा पैगाम सुनाओ इन्हां नूं जहन्नम कोलों डराओ। ते मेरे पाक पैगंबर नाम लै लै के मुखातब फरमा रहे ने या काबिब ने लवैयन अनकिजो अनफुसकुम मिनन्नार फइन्नी ला उग्नी अनकुम मिनल्लाह शैया काबिल वही दी औलाद अपने आप नू जहन्नम दे कोलों बचा लो जे अपने अमल चंगे ना होए ते मैं अल्लाह दा नबी तुहाडे काम नहीं आ सकांगा। कायनात दे इमाम अलैहि सलाम अपनी लखत जिगर सैयदा फातिमत ज़हरा नू फरमा रहे ने ए मेरी ए प्यारी ए बेटी ए फातिमा अन के जी नफसा के मैं नार فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا बेटिए अपने आप नूं जहन्नम दे कोलों बचा लै पुत्तर जे अपने अमल चंगे ना होए ते मैं तेरा बाप हो के भी तेरे काम नहीं आ सकांगा। क्यों नबी के आ सुन फातिमा बेटी
नबी के आसुन फातिमा बेटी ते करीना चावड़ मेरी रोज कयामत अमला बाजो बेटा नहीं खलासी तेरी जे अपने अमल चंगे नहीं आ कुरान दा कौर मकाम समात फरमा लो अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने जारा बल्लाहो मसलल लिल्लजीना आमनु मराअतन हुन व मराअतलूत कानता तख्ता अब्दैन मिन इबादना सालिहैन फखा नताहुमा फलम युगनया अनुहुमा मिन अल्लाह शैयन वकीला दुखलन नारम अद्दाखिली फरमाया है नबी दी बीवी है वेखला ताल्लुक कितना मजबूत है एक एजाज ना मेरे मुस्तफा वैसे भी आपका मर्तबा शान मनसब मकाम अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया ऐ भी एक एजाज मुस्तफा अलैहि सलाम दा हजरत नूह अलैहि सलाम दी बीवी है नबी दी बीवी है लेकिन मुसलमान नहीं हजरत लूत अलैहि सलाम दी बीवी है नबी दी बीवी है रब ने कलमा नसीब नहीं फरमाया ईमान दी दौलत नहीं मिली मैं कुर्बान जावा मेरे मुस्तफा दियां बीवियां नबी दियां बीवियां भी ने ते नबी दियां सहाबियात भी ने ए एजाज भी मुस्तफा दियां बीवियां नू नबी दियां बीवियां भी ने आप दियां सहाबियात भी ने और मेरे पैगंबर दियां बेटियां नबी दियां बेटियां भी ने ते नबी दियां सहाबियात भी नूह अलैहि सलाम दी बीवी है आप दे निकाह अंदर लेकिन सारी जिंदगी हजरत नूह ते ईमान ना ले आ सके जनाबे लूत अलैहि सलाम दी बीवी सारी जिंदगी नबी दे निकाह विच रही है लेकिन अल्लाह ने ईमान दी दौलत नसीब नहीं फरमाए कानता ताहता अब्दैन मिन इबादना सालिहैन फखानताहुमा फलम युगनया अनहुमा मिन अल्लाह शैयन ते नतीजा की निकलिया फरमाया वकीला दुखलन नारम अद्दाखिली अल्लाह जुल जलाल ने नबी दियां बीवियां नू भी जहन्नम दा बालन बना दिता है पता लगा जे अपने अमल चंगे ना होन ते नबी दी बीवी हो के भी जहन्नम तो बच सकदी किस्मत दी गल है नसीबां दी बात है अपने अपने मुकद्दर दी बात है और वेख जरा अमाल दी गल लेना इधर अल्लाह दे नबी जनाबे नूह अलैहि सलातो व सलाम कश्ती दे अंदर तशरीफ फरमान जानवरां दा जोड़ा जोड़ा बिठा लिया दरिंदियां दा जोड़ा परिंदियां दा जोड़ा ए जनाब सारे आनू अपनी कश्ती दे अंदर बिठा लिया इंज कश्ती पानी दे सीने ते टुर पई है ते सामने अखां ने वेख्या नबी दी नजर पई ते सामने पुत्र नजर आया ते जनाबे नूह अलैहि सलाम फरमांदे ने या बुनैया इरकब माना वला तकुम अल काफिरी ए
मेरे बेटे आ मेरी कश्ती ते सवार हो जा। यार अल्लाह ने मापिया दे दिल ही बड़े नरम बनाए ने, अल्लाह ने मापिया दे कलेजे बड़े नरम रखे ने, औलादा दुख भी देन औलादा परेशान भी करन, ते मापे फिर भी औलादा दे दुख ते सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाते। औलादा मापिया नू गालियां देंदियां भी असां वेखिया ने, मां नू धक्के दे के घरों बाहर कढ दियां भी असां वेखिया है, पर उस मां दा भी ते हौसला है ना, इंज दरवाजों बाहर निकल के गली दे अंदर खलोती है, अखां विचों मोटे मोटे अथरू सुट दिए बई, ते नाले आसमाना वल निगाहां चुक के आंदी है, अल्लाह सोनिया एदे कोलों जो हो सकिया इन्ने कीता, सोनिया मैनू एदा दुख कोई ना वखाई। रब ने मापिया दे दिल इंज दे बनाए ने, हालां पता बेटा ना फरमाने, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम फरमांदे नहीं आप नैया ए मेरे बेटे इर कब माना, आ पुत्रा मेरे ना सवार हो जा, कश्ती ते आके बह जा, वला तकुम अलकाफिरी। ते बेटा एडा बद नसीब आंदा सावी एला जबली आसमानी में नलमा काला ला आसमल यौम में अमरिल्ला इल्ला मर्रहिम वहाल बैना हुमल मौजो वकान में नलमुगरकी। ए मेरे अब्बा मैनू तेरी कश्ती दी लोड़ नहीं, मैनू तेरी कश्ती दी जरूरत नहीं। किन्ना को पानी चढ़ जाना है, 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट 10 फुट, किन्ना को पानी चढ़ जाए। ओ पहाड़ एडा उच्चा, पहाड़ ते चढ़ जावांगा अपने आप नू बचा लवांगा, पर जदों रब दा कहर ते रब दा गजब आउंदा ना, अल्लाह जुल जलाल दे गजब दे गुस्से दे सामने कोई ठहर सकदा। दूर ना जाओ, कल परसों जेड़ी इस्लामाबाद बारिश हुई है, बाजार गड्डियां इंज रुड़दियां ने पईयां जिवें पानी ते तीले तरदे फिरदे। दुआ फरमाओ अल्लाह अपने गुस्से ते अपने कहर ते गजब कोलो सानू बचा के रख। मेरे बेटे आ मेरे ना कश्ती ते सवार हो जा, अब्बा मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा चोटी ते चढ़ जावांगा, पर तेरी कश्ती ते सवार नहीं होवा। अजे गल्लां बातां हो रही ने, अल्लाह जुल जलाल वली कराम नू गुस्सा आया, नाले नबी दी मुखालफत करदा पिया, नाले नबी अगे आकड़न डिया, ते विंदिया विंदिया वहाल बैनहुम अल मौजो वकान मिन अल मुगरकी। अखीं वेंदियां नबी दा बेटा पानी च गरक हो गया, बोलो नबी बचा सके नहीं, गल किए फरमाया ए मेरे प्यारे नू इन्नहु लैसा मिन अहलिका, ए तेरा अहल नहीं, अल्लाह मेरे घर पैदा होया, मैं सांभिया मैं पालिया मैं परवरिशां कीतियां ने, अल्लाह मेरा खून है, अरशां तो आवाज आउंदी है ए मेरे प्यारे नू, गल ते तुहाडी भी ठीक है, खून तेरा पर मैं निरा खून नहीं वेंदा, मैं ते अपना कानून वेंदा वा, मेरे कानून दे तराजू दे तकाजिया नू कौन पूरे करदा, मैं ते अपना कानून वेंदा वा। ए नबी
पुत्र नू बचाना चाहता है, पुत्र आकड़न दिया नखरे करन दिया, पुत्र बचना नहीं चाहता ते गरक हो गया। एक होर बेटा भी है, वो भी बाप नबी है, ये भी बाप नबी है, ते वो बाप अपने बेटे नू कह रहा है आप नहीं आ। ए बाप की आंदा इरका माना आ मेरे ना कश्ती दे सवार हो जा, ते वो बाप की आंदा इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज बाहो का फानुजुर माजा तरान काल या अबत फाल मात उमर सता जे दोनी इंशा अल्लाह मिन साबरी। ओ बाप आंदा पुत्रा मैं ख्वाब च तैनू ज़बा कर दिया वेख्या। एक गल साडा तुहाडा ख्वाब चंगा भी हो सकदा, माड़ा भी हो सकदा, सही भी हो सकदा, गलत भी हो सकदा। नबी दा ख्वाब अल्लाह दी वही होया करदा। नबी दा ख्वाब गलत हो सकदा, ओदी ताबीर साल बाद पूरी होए। जिस तरह नबी अली सलातो व सलाम ने ख्वाब देखिया सी बैतुल्ला दा, साल बाद ताबीर ओदी मुकम्मल होई पूरी होई। हजरत याकूब अली सलाम दे लखते जिगर यूसुफ अली सलाम ख्वाब देखे है, 11 सितारे चन्न ते सूरज मीनू सजदा करन डे ने। रब ने ख्वाब सच्चा कीता 40 साल बाद जाके। नबी दा ख्वाब बोलो गलत हो सकदा, पुत्रा मैं तेनू अल्लाह दे राह च ज़बा कर रहा, तेरी की मर्जी है। ते बेटा आंदा इफ अलमात उमर। एक गल गुजरां वाली होर ज़हन च रख लो, सियाने आंदे ने जैसी करनी जैसी करनी, ओ बोलो मैं केड़ा फारसी बोलन लग पिया, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बीजना ही ओहो ही कटना ही। ए नहीं हो सकता एक बंदा किकर बीजे ते उम्मीद ला के बैठा हो इनू अंगूर लगनगे, लगते ने। एक बंदा टाली बीज के बैठा हो आंदा इनू सेब लगनगे, लोग आखनगे पड़वा होया झला होया। झलिया कदी टालियां नू भी सेब लगे ने, कदी किकरां नू भी अंगूर लगे ने। जो बीज नहीं ओ होई कट नहीं। ए नहीं हो सकता कि तू अपने माँ बाप दा ना फरमान होए गुस्ताख होए, अपने बेटे ते बेटियां ते औलाद ते बीवी दे सामने माँ नू कुत्ती ते कंजरी कह के बुलाए, ते बाप नू धक्के दे के घरों कढ़े, ते उम्मीद ए रखे भी तेरी औलाद तैनू तलियां ते चुकी फिरेगी। ए नहीं जे हो सकता। जो बीज नहीं एक जो घर विच हुंदा ना औलाद ओदे तो असर अंदाज हुंदी है, ओदे तो सबक हासिल करदी है चंगा होए या मंदा। एक नौजवान ने ना बाबे नूं वखरा कमरा दिता है, बाबे उहनां दी मंजी वखरी, गलास वखरा, प्लेट वखरी, छाबी वखरी, पोना वखरा, नुकरे बाबे उहनूं रखिया। बाबा जी फौत हो गया, उन्हें आ मंजी फलाने नूं दे दिओ, बिस्तरा फलाने नूं दे दिओ, चादर उन्हूं दे दिओ, खेस उन्हूं दे दिओ। छोटा मुंडा सी ना जेड़ा, उन्हें छाबी कौली प्लेट गिलास एक साइड ते रख लै, ते प्यो आंदा दफा कर तू इन्हूं सिर च मारना छोटे नालों पर। उन्हें अपने वालों समझा भी पता नहीं किड्डी कीमती शह वे जिदे वे स्पैशल साढ़े दादा आबू वास्ते खाना जाता, उन्हें आ सुट पर दफा कर। उन्हें आख्या अब्बा जी मैं संभाल के रखांगा, जदों तुसी दादा अबू जिडे होवोगे इन्हां बर्तना विच असीं तुहानू खाना पेश करांगे। जो बीजना है ना ओही वढ़ना है। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयो मेरे बरादर, हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम पुत्र ने एवें नहीं कह दिता इफ अलमात उमर, अब्बा जी जो जी आउंदा जे करो अल्लाह दा हुक्म पूरा करो, एवें नहीं कह दिता। अपने पिछे नजर मारो, और मैं कहा करना
माँ बाप अगर खिदमत करवाना चाहता है तो औलाद की पहला तरबियत करिया करो, पहला औलाद के हक अदा करो, ते फिर उन्हां कोलों उम्मीद ते तवक्को रखो। जे औलाद नू नमाज आले पासे लियांदा ही नहीं ते इन्हां कोलों वड्डियां हो के की उम्मीद ते तवक्को रखी जा सकदी है। अपने बच्चियां दे सामने मां बाप नू मंदा आंदा गालियां कढ़दा, अपनी औलाद कोलों की तवक्को रख सकदा? और हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम दा पता दे ना, प्यो काफर भी है मुशरक भी है और सिर्फ बुतां दा पुजारी नहीं बुत फरोश भी है। ते इब्राहिम अलैहि सलाम दा अंदाज किड्डा प्यारा है, या आबाते सुभान, या आबाते लिमत अबुदो माला यस्माओ वला युबसिरो वला युगनी अनका शैया। ए मेरे अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। हालां अबे दा रवैया बड़ा गलत है, मुशरक भी है काफर भी है। ते आंदा इब्राहिम गल सुन ले, या मेरे माबूदा दी मुखालफत छड़ दे वरना मार मार के पत्थर मैं तैनू खत्म कर देंगा, या इन्हां इलावां दी मुखालफत छड़ दे, या मेरा घर छड़ दे। साडे वर्गा हुंदा वो आंदा वो गल कर करना ली, घर साडा जवान हो गए आ, हुण ये साडा हक है, तू इज्जत दी रोटी खानी है ते चार बुरखियां खाधी जा, वरना होर को ठार लब जाके ये नहीं आखिया। जनाबे इब्राहिम फरमांदे ने अब्बा जी घर छड़ देंगा, घर छड़न लगे ते फिर ये भी नहीं आखिया, जा संभाल अपना घर अपने कोल रख, एडियां धमकियां लाने की लोड़ कोई नहीं, ये भी नहीं आखिया। घर छड़न लगे ते फरमांदे ने सलामुन अलैक सा अस्तगफिरुल्लाह का रब्बी, आखिर तुसी मेरे बाप हो, सा अस्तगफिरुल्लाह का रब्बी इन्नहु का नबी हफिया। मुशरक ते काफर बाप दे नाल एडा मुअद्दबाना ले जा जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम दा, ए अरशां वाले रब्बा फिर सिला की दित्ता। फरमाया आखरत नूं ते सिला मिलना ही मिलना, मैं दुनिया दे अंदर ऐसा बेटा अता कीता। ओ प्यारे इब्राहिम जे छुरी थले रखन दी कोशिश करेगा ते तेरे सामने सी नहीं करेगा, छुरी वास्ते एफ अलमा तोमर। अब्बा जी कर गुजरो जिमें तुहाडा जी कर दे, ते पुत्रा तेरा की रवैया होएगा? ते फरमांदे ने सता दे दोनी इंशा अल्लाह हो मैं नसावरी। गल सोने अपने अमलां ते बननी है, दुआ करिया कर अल्लाह नेक ते पाकीजा अमाल करन दी तौफीक नसीब फरमा दे। आइए जरा गौर करिए, गल मुकाइए, रब दे एक बड़े प्यारे नबी ने सैयदना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल दौलत इज्जत वकार शोहरत बेटियां बेटे बीवियां नौकर लौंडियां खातिमा गुलाम हर शह वादू है, ते सब तो वड्डी गल ए वे कि रब ने नबूवत भी अता फरमा दी। शैतान कहन लगा या अल्लाह लियान दी फिकर कोई ना होए, कमान दी फिकर कोई ना होए, वेले आ बैठे आ सारा कुछ खाण पीन नू लभदा होए ते फिर तेरी इबादत होए, ये केड़ा कोई एडी वड्डी गल है बहादरी है। अल्लाह फरमांदे ने ओए पापिया जेड़े मेरे हुंदे ने ना ओ सुख विच भी मेरे हुंदे ने ते दुख विच भी मेरे ही हुंदे ने। इम्तिहान हो लग पे है और रब अपने प्यारियां दा इम्तिहान बहुता लिया कर दे, इस्लाम दी खातर दीन दी खातर कुरान दी खातर सुन्नत दी खातर
जिन्नी तकलीफ वधदी जाएगी समझ लै ओना रब दा कुरब वधदा जाएगा, ओना बंदा रब दे नेड़े हुंदा जाएगा। इसे वास्ते नबी अली सलाम ने फरमाया सब तो अफजल जमात नबियां दी जमात है, ते सब तो ज्यादा इम्तिहान कड़ा रब ने ओना दा ही लिया, ते सब तो ज्यादा दुख भी ओना नूं ही पहुंचे ने। प्यारे पैगंबर अली सलातो वस्सलाम दी जाते गिरामी आओ फरमांदे ने जिन्ने दुख सारे नबियां नूं पहुंचे ने ओने कल्ले मैं मुहम्मद नूं पहुंचे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर दौलत हर नेमत हुण इम्तिहान शुरू होण लगा, माल दौलत कारोबार नौकर खादम मुलाजम हर शै तबाह, बच्चे फौत हो गए, बेटियां खत्म बेटे खत्म। एक दिन शैतान एक गुलाम दी एक नौकर ते एक खादम दी शक्ल बन के जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम दे कोल आया, आके कहन लगा वेख्या रब 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 करन दे ने। कहन लगा अय्यूब जेड़े रब ने तीला नहीं हो रहन दिता, पल्ले कख नहीं रहन दिता, अजे भी रब रब ही करी जाना है। ते बड़ा प्यारा जवाब दिता, अल्लाह तेरा शुक्र है जेड़ा टाइम अगे माल डंगर दी हिफाजत विच गुजरदा सी हुण ओ भी तेरी इबादत विच ही गुजरेगा। इम्तिहान ऐसा आया कड़ा इम्तिहान, बाद ने लिखिया 3 साल हजरत अय्यूब अलैहि सलाम बीमारी च रहे ने, बाद ने कहा 18 साल हजरत अय्यूब अलैहि सलाम बीमारी च रहे। इम्तिहान कड़ा इम्तिहान, अल्लाह दे प्यारे नबी ने ते तकलीफ भी बड़ी। बाद इसराइली रवायात उन्हें लिखिया कि आप दे जिस्म मुबारक माज अल्लाह कीड़े पै गए, ये हो गया वो। ये तो वैसे ही नबी दी शान ते अजमत दे खिलाफ है ना। आ वेख लै हुण जरा मवाजना करना, उधर जनाबे नूह अलैहिस्सलाम दी बीवी हजरत लूत अलैहिस्सलाम दियां बीवियां अल्लाह जुल जलाल ने नबुव्वत वाले कार नसीब फरमाए ने, पर ईमान दी दौलत मुयसर नहीं आए। है अल्लाह वालियां प्यारे जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम आप दियां बीविया ने बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, ते जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक दिन अपनिया घर वालिया नू बीविया नू बुलाया, नी मेरी ओ घर वालियो इंज करो ना मेरे को तलाकां ली लो, फारग हो जाओ, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी दे मुताबक बसर कर लो, पता नहीं अल्लाह नू की मंजूर है किन्ना अरसा इस बीमारी ने घेरा रखना। अपनिया बीविया नू तलाकां दे के फारग फरमा दिता, एक किस्मतां वाली नसीबां वाले मैं कुर्बान जावां भागां वाली बीवे जिदा नाम बाद ने हजरत लैया सलामुल्लाह अलैहा, बाद ने हजरत माँ जी रहमा रजी अल्लाह ताला अनहा लिखे आए। माँ जी नू जनाबे अय्यूब ने बुलाया, रहमा तलाक लिल्ला ते इंज कर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी दे मुताबक बसर कर ला, और लोगो इत्थे आके पता लगदा खानदानी लोगां दा ओ बंदे बड़े ही बदबख्त ते बदनसीब ने। औरत नू मामूली जी बीमारी आ लगी है, इन्ने समझिया इलाज कारगर नहीं हो रहा, इस सालिम ने तलाक दे के घरों कढ दिता है, इनू खानदानी ते नस्ली बंदा नहीं आंदे। खामन ते मामूली इम्तिहान ते अजमैश आई है, बीवी अपने खामन कोलों तलाक दा मुतालबा करन लग पई है, इनू खानदानी नहीं जे आंदे। आवेख लै खानदानी औरत कैसी है, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने रहमान तलाक लीला ते अपनी मर्जी दी जिंदगी गुजार लै। ते मौला ने बड़ा प्यारा तर्जमा कीता, फरमांदे ने चौथी जो बीवी आई हजरत अय्यूब दी
यूसुफ दी पोती ते पड़ पोती याकूब दी साबरां दी लड़ी इबरां हीम महबूब दी सबर दा विरसा जिन्ना ताई कया अयूब तुम्हें लीला तलाक नी चली जा पेके मेरा तोड़ जा साथ नी मैं आपे ही पिया रवा जिमें करे रब पाक नी तू ते तकलीफ पावे नाही ए सुनिया जमाई रहमत चांगरा ने मारिया वे रब दे रसूला तै थी सदके मैं वारिया ए अल्लाह दे प्यारे नबी जी मैं जिंदगी दे सौखे दिन तुआडे नाल गुजारे ने सौखियां कड़ियां हजरत मैं तुआडे नाल गुजारिया ने ए ते हो ही नहीं सकदा अज मुश्किल दे दिन आए ने ते मैं तुआडा साथ छड़ के चली जावां सुनिया जा माई रहमत चांगरा ने मारिया वे रब दे रसूला तै थी सदके मैं वारिया लैके तलाकां चलिया गईया जो सारिया खटे आओ ना कुछ नाई मैं हजरत जी जख्मा थी नहीं मुँह नक वटांगी रो नाल पीड़ो वे जेब नाल चटांगी मैं खामद दिया खिदमत करके जन्नता खटांगी मौका लिया अल्लाह साई हालात सदा एक जैसे रहिंदे बोलो सदा एक जैसे रहिंदे किसे दोस्त सज्जन ते यार बेली ते औखा भारा वेला आ जा ते यार यारियां तोड़ जान ए केड़ा अकलमंद ते केड़ा सियाना यार ते सज्जन ए यारी नहीं ए छोलियां दा वड्ढे ए नहीं यारी यार ते यारा पिछे कुर्बान हो जांदे ने सज्जन सज्जना पिछे दोस्त दोस्ता पिछे वफा दा हक अदा कर देंदे ने अल्लाह अल्लाह हजरत मैं तुहाडा साथ छड़न वाली नहीं दिन बदल गया तब्दीली आ गई की आ गई तब्दीली आ गई हालात सदा एक जैसे नहीं रहिंदे की होया अज बीमारी है कल रब शिफा अता करन ते कादर है अज गरीबी आ गई है कल रब तवंगर ते तवाना ते सरमायादार बनान ते कादर है उन्नू कौन पुछण वाला है रब्बा तू इंज नहीं ते इंज क्यों कीता है दिन बदले अंदने 18 साल गुजर गए एक दिन हजरत माँ जी रहमार्द कर दिया ने हजरत रब कोलो दुआ करो रब तुहाडी ते मोड़दा ही नहीं दुआ फरमाओ अल्लाह तुहानू सेहत दे दे फरमान लगे रहमा मैं जान के नहीं दुआ करदा किते रब्बुल आलमीन ए नाम फरमान 70 साल मैं तैनू शिफा दिती रखी है ते 70 साल भी बीमारी बर्दाश्त नहीं हो कर सकिया दिन बदले 18 साल बीत गए लोकां दे ताने लोकां दे मेने लोकां दियां गल्लां लोकां दे परापे गंडे आखर अल्लाह दियां मर्जियां अपने मालिक दा दरवाजा खटखटाया ते कुरान ने नक्शा खिंचया वा अय्यूबा इस नादा रब्बा हो अन्नी मसाने यज़रो हुण तुसी अंदाजा फरमाओ के रब नू गुजारिश कर रहे ने दुआ कर रहे ने ते ओदे अंदर अदब कितना मलहूज़े खातर रखिया ए भी नहीं आखिया इन्ने साल हो गए ने हुण ते बीमारी तो जान छुड़ा दे की कढ़ नहीं साढ़े चो
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਕੁਫਰੀਆ ਕਲਮੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ, ਬਤੇਰੀ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਮੁਅੱਦਬਾਨ, ਅੰਨੀ ਮਸਨ ਯਜ਼ਰੋ, ਸੋਹਣਿਆ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਵਾ ਅੰਤ ਅਰਹਮੁਰ ਰਾਹਿਮੀ। ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਏ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰਹਿਮ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ ਸੋਹਣਿਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਯੂਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ, ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਬਿਰੇ ਜਲੇ ਕਾ ਹਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਬਿਰਜਲੇ ਕਾ ਹਾਜ਼ਾ, ਮੁਗਤਾ ਸਲੋਨ ਪਾਰ ਦੁਨ ਵਸ਼ਰਾ, ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਪੈਰ ਵੱਜਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਹਾ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ, ਪੀ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਖਤਮ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਤਵਾਨਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅਕਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਸੀਰਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਸੂਰਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਜਲਾਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਜਮਾਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਵਾਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਨਾਬੇ ਅਯੂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਵਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਰੁੱਖ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਅਯੂਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਦੁਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਦਾ ਹਰਮ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਹੱਦ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਬੇਕਲੀ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਜਬ ਹੱਦ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਬੇਕਲੀ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਐ ਰਕਸ਼ ਪਰੀ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਖੋ ਗਈ, ਬੋਲੀ ਬਸਾਦ ਨੋਹਾ ਗਰੀ, ਬੀਵੀ ਹੋ ਅਯੂਬ ਕੀ, ਫਿਰਤੀ ਹੋ ਉਸ ਕੋ ਢੂੰਡਤੀ, ਰੋਤੀ ਹੋ ਫੁਰਕਤ ਦੇਖ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਾ ਚਿਹਰਾ ਫੇਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਹਾਫਜ਼ ਇਬਨੇ ਕਸੀਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ। ਕਾਹਦਾ? 125,000 ਨੂੰ ਤੋਲਾ ਜੇ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਨਬੀ ਸਨ? ਆਂਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਾ ਕੋ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਸਮ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ 100 ਦੁਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ।
ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਮਾਲੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਅਰਗੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਿਆਪੇ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਰਨੇ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪਵਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਏਡਾ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਕੋ ਲੈ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ। ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਓ ਉਹ ਛੱਡੋ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਤ ਗਈ, ਰਾਤ ਗਈ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਭਰਾ ਰਾਤ ਗਈ, ਬਾਤ ਗਈ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਾ 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 ਹਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਰੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਕੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਏ ਤੇ ਕਸਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਖੁਸ਼ ਬਿਆਦੇ ਕਾ ਜ਼ਿਆਜ਼ਨ ਫਜ਼ਰੇ ਬਹੀ ਵਲਾ ਤਾਹਨਸ ਇਨਾ ਵਜਦਨਾ ਹੋ ਸਾਬਿਰਨ ਨਿਮਲ ਅਬਦ ਇਨਾ ਹੋ ਅਵਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਬਰਾ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ, ਇੱਕ ਮਾਂਜਾ ਫੜ ਲੈ, ਬੋਕਰ ਫੜ ਲੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100 ਤੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਤੇ ਜੋੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਬਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਾਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੇਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਜਰ ਦਾ ਸਿਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਵਬਿਹਮਦਿਕਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤ ਅਸਤਗਫਿਰੁਕਾ ਵਅਤੂਬੁ ਇਲੈਕ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਲਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ।